गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ 11th क्लास. cot ऑफ a प्लस बी दैट इज इक्वल टू cot ऑफ a इंटू cot ऑफ b माइनस वन अपन में cot a प्लस cot ऑफ b. ये एक फार्मूला है बेटा जो आपको समझाने वाला हूँ मैं, ठीक है जी. आप cot ऑफ a प्लस b वाले इस फार्मूले को याद करना चाहें तो करें, लेकिन कोई जरूरत नहीं है वैसे इस फार्मूले को याद करने की, क्योंकि अगर कभी cot ऑफ a प्लस b से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आता है तो उसको हम 1 बाई टेंजेंट ऑफ a प्लस b में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे, और टेंजेंट ऑफ a प्लस b का फार्मूला हम जानते हैं. चलो देखते हैं cot ऑफ a प्लस b का ये फार्मूला इसके बराबर कैसे निकलता है. cot ऑफ a प्लस b दैट इज इक्वल टू 1 बाई टेंजेंट ऑफ a प्लस b होता है. टेंजेंट a प्लस b का फार्मूला जानते हैं, और टेंजेंट ऑफ a प्लस टेंजेंट ऑफ b अपन 1 माइनस टेंजेंट ऑफ a इनटू टेंजेंट ऑफ b, क्लियर. लेकिन अगर हम रिजल्ट की तरफ ध्यान दें, अच्छा चलो अगर हम ऐसा लिख लेते तो 1 माइनस टेंजेंट ऑफ a इनटू टेंजेंट ऑफ b ऊपर चला जाएगा, और अपन में टेंजेंट ऑफ a प्लस टेंजेंट ऑफ b बचना चाहिए. लेकिन cot ऑफ a प्लस b का जो फार्मूला है उसमें आंसर जो आ रहा है वो cot की फॉर्म में आना चाहिए, लेकिन यहाँ आंसर भी टेंजेंट की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, तो हम इसे कोट में बनाना चाहेंगे. तो 1 माइनस टेंजेंट ए को 1 बाई कोट लिख दो, टेंजेंट बी को 1 बाई कोट ऑफ बी लिख दो. जानते हो आप ऐसा लिख सकते हैं, टेंजेंट ए को 1 बाई कोट ऑफ ए, टेंजेंट बी को 1 बाई कोट ऑफ बी लिख देते हैं, ठीक है जी. अब एलसीएम ले लेते हैं इसका. चलो देखते हैं इस दोनों का एलसीएम आया कोट ए कोट बी. इन दोनों का एलसीएम क्या आया, कोट ए कोट बी. ऊपर कोट ए कोट बी बनेगा, माइनस का यहाँ ऊपर बन जाएगा 1, और इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो कोट ए कोट बी बनेगा, ठीक है जी. कोट ए कोट बी इन दोनों का एलसीएम लेने पर ऊपर बनेगा कोट ऑफ बी प्लस कोट ऑफ ए. एलसीएम निकालना आता है आपको, कोट ए कोट कोट ए कोट बी से कोट ए कोट बी कैंसिल, तो ऊपर यहाँ बन गया कोट ए इंटू में कोट ऑफ बी माइनस का 1, और डिनोमिनेटर बच जाएगा कोट ऑफ बी प्लस कोट ऑफ ए, ठीक है. तो कोट ऑफ ए प्लस बी का ऐसे फार्मूला निकाला जा सकता है. आगे चलते हैं, इसमें अगर एक वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी ऑलवेज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर बी माइनस कॉस स्क्वेयर ए, ठीक है. साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू में साइन ऑफ ए माइनस बी, दोनों जगह साइन होने चाहिए. यहाँ पर ए और बी दो एंगल का सम है, और इन्हीं दोनों एंगल का डिफरेंस अगर यहाँ पर हो तो इसका फार्मूला ये बनेगा कि इस ए एंगल के साथ साइन आएगा उस पर स्क्वेयर आएगा, इस बी एंगल के साथ साइन आएगा और उस पर स्क्वेयर आएगा, ठीक है जी. पर ये कैसे कन्वर्ट होगा ये बाद में डिस्कस करेंगे आपसे. तो मैं साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू में साइन ऑफ ए माइनस बी लेके चलता हूँ. आप सब बच्चे जानते हैं कि साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. साइन ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है. ये सब बच्चे जानते हैं, याद कर रखा है आपने. ये साइन ए कॉस बी, यहाँ पर भी साइन ए कॉस बी दोनों एक जैसे हैं, यहाँ कॉस ए साइन बी, यहाँ पर क्या है कॉस ए साइन बी दोनों एक जैसे हैं, तो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया. तो ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर फॉर्मूला लगा सकते हैं ये, ठीक है जी. तो ए का स्क्वेयर ए मतलब साइन ऑफ ए इंटू में कॉस ऑफ बी का होल स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, बी मतलब कॉस ए इंटू में साइन ऑफ बी का होल स्क्वेयर. ये पूरा ए प्लस दिस इज बी इंटू में ये ए माइनस बी, क्लियर. अच्छा तो यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वेयर ए कॉस स्क्वेयर बी माइनस कॉस स्क्वेयर ए साइन स्क्वेयर बी. हमारे पास हम यहाँ तक पहुँच गए. अगर मैं आंसर की बात करता हूँ तो आंसर में चेक करो दोनों के अंदर जो ये साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ऑफ ए माइनस बी क्या बनाना चाहते हैं, साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी, दोनों जगह साइन बनाना चाहते हैं, ठीक है. दोनों जगह साइन चाहिए मुझे, तो जो कॉस स्क्वेयर बी है कि मुझे साइन में आंसर चाहिए कॉस में नहीं चाहिए, तो कॉस स्क्वेयर बी को 1 माइनस साइन स्क्वेयर बी लिख सकते हैं, ठीक है. कॉस स्क्वेयर ए को 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए लिख सकते हैं इंटू में साइन स्क्वेयर बी. बेटा ये कैसे बदला आप जानते हैं, साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर बी इक्वल टू 1 ही तो होता है. अरे साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया है. साइन स्क्वेयर ए को अंदर ले जाओ 1 से मल्टीप्लाई, इसको साइन स्क्वेयर बी से मल्टीप्लाई, साइन स्क्वेयर बी को अंदर ले जाओ 1 से मल्टीप्लाई, माइनस का साइन स्क्वेयर बी बनेगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा, और साइन स्क्वेयर ए इंटू में साइन स्क्वेयर बी बनेगा, क्लियर. चलिए ये दोनों वैल्यू सेम है बेटा, साइन स्क्वेयर ए साइन स्क्वेयर बी से साइन स्क्वेयर ए साइन स्क्वेयर बी कैंसिल, साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी बच गया, तो आंसर ये आ गया साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी. तो एक आंसर निकाल चुके हैं साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी, लेकिन ये इसके बराबर भी हो सकता है, वो चेक करते हैं कैसे. इसकी जो बराबर वैल्यू निकल रही है वो कोस में आ रही है, चेक करो, ठीक है. तो इसका मतलब मैं साइन को कोस बदल देता हूँ, दोनों साइन को मैं कोस बना दूंगा. देखो ऐसे बनाएंगे, आंसर आ गया साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी. साइन स्क्वेयर ए को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वेयर बी. 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एज इट इज, माइनस अंदर माइनस का 1 प्लस का कॉस स्क्वेयर बी, 1 से 1 कैंसिल, क्या बच गया कॉस स्क्वेयर बी माइनस कॉस स्क्वेयर ए. तो इस तरह से आप इस फार्मूले को आसानी से चेक कर सकते हैं, और साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू में साइन ऑफ ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर बी माइनस कॉस स्क्वेयर ए में बदला जा सकता है, क्लियर.
अच्छा उससे अगला एक और फार्मूला है, वो जरा चेक करेंगे हम। उससे अगला फार्मूला क्या है वो देखें, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू में कॉस ऑफ ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दैट आल्सो इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके बराबर होता है। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर चेक करें, याद करना है, रटना पड़ेगा आपको, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है, बनाना भी आना चाहिए। कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू में कॉस ऑफ ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। इन सभी फार्मूलों को आप अपने रजिस्टर के अंदर नोट कर लो, जिसके पास बुक नहीं वो रजिस्टर के अंदर नोट कर सकता है, ताकि काम आएंगे आपके। अच्छा, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू में कॉस ऑफ ए माइनस बी मैं लेके चलता हूँ, आंसर में क्या चाहिए मुझे, कॉस के साथ ए एंगल चाहिए और साइन के साथ बी एंगल चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। वैसे फार्मूला बनाने के लिए हम कोई दूसरा ही बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये समझा रखा है तो हम इसी को ही फॉलो करेंगे। कॉस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला सब बच्चे जानते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस ऑफ ए माइनस बी का सब बच्चे फार्मूला जानते हैं, कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है जी, प्लस साइन ए साइन बी। चेक करो, कॉस ए कॉस बी तो यहाँ पर भी है और कॉस ए कॉस बी यहाँ पर भी, साइन ए साइन बी यहाँ पर भी और साइन ए साइन बी यहाँ पर भी, तो ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ए माइनस बी, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब जानते हो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है जी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। लेकिन ये फार्मूला कहता है कि आंसर जो है कॉस ए और साइन बी में चाहिए, तो कॉस ए में तो कॉस स्क्वायर ए में तो आंसर आ गया, अब मुझे साइन बी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी है, तो इस कॉस स्क्वायर बी को मैं साइन बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे बी के साथ साइन चाहिए, बी के साथ कॉस नहीं चाहिए, तो इसको वन माइनस साइन स्क्वायर बी इसलिए लिख लिया, माइनस आंसर में साइन स्क्वायर बी चाहिए, आंसर में साइन स्क्वायर बी चाहिए, साइन स्क्वायर बी मुझे मिल गया है, ये रहा साइन स्क्वायर बी, ठीक है, साइन स्क्वायर बी तो मुझे मिल गया, लेकिन साइन स्क्वायर ए नहीं है, क्योंकि आंसर में साइन स्क्वायर ए नहीं बनाना, तो इसके बाद साइन स्क्वायर ए नहीं बना, तो इसे वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बना लेते हैं, इंटू में साइन स्क्वायर बी एज इट इज़ है, कॉस स्क्वायर ए को वन से मल्टीप्लाई, माइनस के निशान, कॉस स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर बी आ जाएगा एज इट इज़, ठीक है जी, कॉस स्क्वायर ए को वन से, कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर बी से, साइन स्क्वायर बी को वन से, माइनस का साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा प्लस, और साइन स्क्वायर बी इंटू में कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी हो जाएगा प्लस का, ये दोनों वैल्यू दोनों सेम बन जाएगी, कैंसिल होनी चाहिए, ये दोनों कैंसिल होने के बाद बच गया कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, ठीक है जी, तो ये आंसर आ गया, यही निकालना चाहते थे। लेकिन अगर हम फार्मूले में चेक करें तो कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी चाहिए था, वो मिल गया, लेकिन बेटा आंसर में कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए भी आना चाहिए, कॉस स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर ए भी आना चाहिए, तो कॉस स्क्वायर ए को कन्वर्ट कर दो वन माइनस साइन स्क्वायर ए में, माइनस का निशान आ जाएगा, साइन स्क्वायर बी को कन्वर्ट कर दो वन माइनस कॉस स्क्वायर बी में, ठीक है, वन माइनस साइन स्क्वायर एज इट इज, माइनस हो जाएगा माइनस का वन प्लस का कॉस स्क्वायर बी, ये दोनों कैंसिल, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, तो आप ये रिजल्ट भी याद रखना और ये रिजल्ट भी याद रखना और बनाना भी आना चाहिए, इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं हम। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू में कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, और बेटा दैट इज आल्सो इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए होना चाहिए, तो इस तरह से आप इस फार्मूले को आसानी से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, अच्छा जी, अब ये सारे फार्मूले जो मैंने बताए आपको वो सभी फार्मूले बेटा याद रख लो। अब हम एक्चुअली में तो अब हम एक्सरसाइज पर आ रहे हैं, एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6 का पहला क्वेश्चन है, पहले मैं कहता हूँ इग्लूड, पहले का पॉइंट नंबर वन, आपने जो फार्मूले सीखे हैं वो साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी, और इसके अलावा दो फार्मूले जो अभी बताए, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू में साइन ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर होता है वो याद होना चाहिए, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू में कॉस ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर होता है ये याद होना चाहिए, ठीक है जी। पहले का फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं, साइन 22 डिग्री साइन 38 डिग्री प्लस कॉस 22 डिग्री साइन 38 डिग्री दैट इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है कि ये किसके बराबर होगा ये निकालना है। लेकिन आप अभी अभी तो अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि क्या, देखिए यहीं लिख देता हूँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बताओ ये किसके बराबर है, साइन ए, ए मतलब 22 डिग्री हो गया, यहाँ पे एक एंगल कितना है 22 डिग्री, बी मतलब 38 डिग्री प्लस प्लस आ गया, कॉस ए, ए मतलब 22 डिग्री, साइन ऑफ बी मतलब 38 डिग्री, यहाँ पे ए 22 डिग्री है,
और यहाँ पे भी ए कितना है 22 डिग्री, देख लो यहाँ बी 38 डिग्री है, तो यहाँ पर भी साइन के साथ जो बी वो 38 डिग्री होना चाहिए, ठीक है जी। तो इसके हिसाब से फॉर्मूला बनता है, कंपेयर करना पड़ेगा किस से कंपेयर कर पा रहे हो, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ठीक है जी। तो दैट इज इक्वल टू, तो ये साइन ऑफ ए प्लस बी का, तो साइन ऑफ ए प्लस बी, ए मतलब 22 डिग्री प्लस बी मतलब 38 डिग्री, तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया तो ये बन गया साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री अंडर रूट 3 अपॉन में 2 के बराबर होना चाहिए, इस तरह से सॉल्व करना है। अच्छा पहले का फोर्थ, साइन 40 प्लस ए इंटू कॉस ऑफ 10 प्लस ए, बट इस 10 प्लस ए पूरे पर ब्रैकेट है, इस तरह से 40 प्लस ए के ऊपर भी ऐसे ब्रैकेट लगा रखी है, माइनस कॉस ऑफ 40 प्लस ए इंटू में साइन ऑफ 10 प्लस ए। अब चेक करो कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये साइन को इस पूरे को ए मान लो, ये ए, इस पूरे को बी मान लेते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस ये कॉस ए और ये साइन बी, बताओ कौन सा फॉर्मूला बना। अगर कंपेयर करें तो बेटा इसको मैं ए नाम क्यों दे रहा हूँ, 40 प्लस ए को ए नाम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 40 प्लस ए को ए नाम दिया और 40 प्लस ए यहाँ पर भी आ रहा है, तो जब 40 प्लस ए को यहाँ पर ए नाम दे रखा है तो 40 प्लस ए को यहाँ पर भी बेटा ए नाम दूंगा, यहाँ 10 प्लस ए को बी नाम दे रखा है तो यहाँ 10 प्लस ए को बी नाम दूंगा, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला बना साइन ऑफ ए इंटू में कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए इंटू में साइन ऑफ बी। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहूँ मैं तो फॉर्मूला ये बनेगा, साइन ऑफ ए इंटू में कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए इंटू में साइन ऑफ बी, फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ ए माइनस का बी, ये फॉर्मूला बनता है साइन ऑफ ए माइनस का भी, तो इसका मतलब साइन ऑफ ए माइनस बी, लेकिन बेटा ए कौन है, 40 प्लस ए, ए का काम कर रहा है, क्या बन रहा है 40 प्लस ए, ए का काम कर रहा है, माइनस बी मतलब 10 प्लस ए का काम कर रहा है, क्लियर है। अच्छा जी साइन ऑफ 40 प्लस ए माइनस अंदर रहेगा, माइनस का 10 माइनस का ए, ए से ए कैंसिल, साइन ऑफ 40 माइनस ए 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होना चाहिए, इस तरह से इसका आंसर आ गया। इस पहले का भी फिफ्थ पार्ट चेक करेंगे बेटा, ये ए एंगल मान लो, टेंजेंट 66 डिग्री प्लस टेंजेंट 69 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेंजेंट 66 डिग्री इनटू में टेंजेंट ऑफ 69, दैट इज इक्वल टू, कहते ये क्वेश्चन दे रखा आपको, ये लिखा हुआ दे रखा है, कहते इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, ये आंसर ये निकालना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, आप इन्होंने क्या करा, इसको ए मान लो बेटा, 66 डिग्री को ए एंगल नाम दे दिया, इस 66 डिग्री ए एंगल है, 69 डिग्री को क्या नाम दे दिया बेटा, बी दे दिया, ठीक है। तो ये टेंजेंट ऑफ ए प्लस टेंजेंट ऑफ बी अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट ऑफ ए इंटू में टेंजेंट ऑफ बी, ये बी एंगल है ये ए एंगल है, तो अब याद करो टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट ऑफ बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ऑफ ए इंटू में टेंजेंट ऑफ बी, आपको ये फॉर्मूला पहले ही याद करवा रखा है, ये याद होना चाहिए। चलो देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला, ये रहा, कंपेयर कर लो टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, टेंजेंट ऑफ ए प्लस टेंजेंट ऑफ बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ऑफ ए इंटू में टेंजेंट ऑफ बी, ए की वैल्यू 66 दे रखी है, अगर यहाँ चेक करें इस फॉर्मूले में चेक करें, ठीक है, टेंजेंट ए, ए का मतलब 66 डिग्री है, ए ये लो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चेक करो अब कंपेयर कर लो, यहाँ पे टेंजेंट ऑफ ए 66 डिग्री प्लस टेंजेंट ऑफ बी, बी मतलब 69 डिग्री, 1 माइनस टेंजेंट 66 डिग्री इंटू में टेंजेंट ऑफ 69 डिग्री, तो इससे कंपेयर किससे करेंगे, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी से, तो टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी से कंपेयर करें तो टेंजेंट ऑफ 66 प्लस 69 आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसके हिसाब से क्या बन गया, टेंजेंट ऑफ 135 डिग्री, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी बन गया, ये ए एंगल है ये प्लस में बी एंगल है, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, टेंजेंट ऑफ ए प्लस टेंजेंट ऑफ बी अपन 1 माइनस टेंजेंट ऑफ ए इंटू में टेंजेंट ऑफ बी, तो टेंजेंट 135 डिग्री बन गया। अगर टेंजेंट ये 135 डिग्री है तो टेंजेंट 135 डिग्री को कैसे सॉल्व करना चाहिए ये चेक कर लेते हैं, टेंजेंट ऑफ 135 डिग्री को कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। टेंजेंट ऑफ 135 डिग्री 90 प्लस 45 लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी आपको पहले बता रखी है। टेंजेंट ऑफ 135 डिग्री लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ 90 प्लस 45, ठीक है 90 प्लस 45 और ये बराबर होता है माइनस का कोट 45, दैट इज इक्वल टू माइनस 1। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आता हूँ, सेकंड का पहला पार्ट कहता है कि कोस ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू निकाल के दिखाओ, कोस ऑफ 15 डिग्री कितना होता है, ठीक है कोस 15 डिग्री, अब कोस 15 डिग्री मुझे ये पता है कि कोस 0 डिग्री 1 होता है, मुझे पता है कि कोस 30 डिग्री कितना होता है अंडर रूट 3/2 होता है, कोस 45 डिग्री 1/√2 होता है, ठीक है, और कोस ऑफ 60 डिग्री 1/2 होता है, कोस 45 डिग्री 1/√2 होता है और कोस 60 डिग्री 1/2, तो कोस 90 डिग्री 0 होता है, लेकिन कोस 15 डिग्री की वैल्यू तो हम निकालना नहीं जानते ना, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, ये सारे जो फार्मूले बताए साइन ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये सब फार्मूले कोस 15 डिग्री की जो वैल्यू नहीं निकालना चाहते हैं उसकी वैल्यू को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कोस 15 डिग्री की वैल्यू, चलो देखते हैं
15 डिग्री लिख सकते हैं 45 माइनस का 30। अब 15 के दो टुकड़े ये करें 45 माइनस 30 करें, क्यों करें आपने बेटा यही टुकड़े। आप 15 डिग्री को लिख सकते थे 16 माइनस 1 भी लिख सकते थे, आप 15 डिग्री को 20 माइनस 5 भी लिख सकते थे, लेकिन हमें वो दो टुकड़े लेने पड़ते जिसके ऊपर मैं कोस की वैल्यू जानता हूं। मैं कोस की वैल्यू 45 डिग्री पे भी जानता हूं, मैं कोस की वैल्यू 30 डिग्री पे भी जानता हूं, ठीक है जी। इसलिए 45 माइनस 30 लिखा गया है। इसको 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं, 60 में से 45 घटाएंगे तो भी 15 आएगा। और 60 माइनस 45 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कोस की वैल्यू 60 पे भी जानते हैं और 45 पे भी जानते हैं। चलो तो कोस ए माइनस बी, बेटा इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अब जानते हैं कोस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, याद करवा रखा पहले ही। तो कोस ए कोस बी अगर माइनस है तो बेटा प्लस आएगा, सॉरी यहाँ थोड़ी सी गलती कर रखी है। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री 1 बाई रूट 2, कोस 30 डिग्री रूट 3 अपन 2 प्लस साइन 45 1 बाई रूट 2, साइन 30 डिग्री 1 बाई 2। तो हमारे पास आ गया रूट 3 अपन में 2 रूट 2, 1 बाई 2 रूट ऑफ 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने कोस 15 डिग्री की वैल्यू को सॉल्व कर लिया है। तो ध्यान रखना कैसे सॉल्व किया गया। अब फॉर्मूले, अब टेंजेंट 75 डिग्री है, अब टेंजेंट 0 डिग्री 30 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 90 डिग्री, इन सब की वैल्यू तो जानते हैं, लेकिन टेंजेंट 75 डिग्री की वैल्यू आज तक नहीं आपने निकाली होगी। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सीखेंगे कि 75 डिग्री के दो टुकड़े क्या कर लिए, 45 प्लस 30 कर लिए। 45 प्लस 30 क्यों करें आप जानते हो, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने। 75 के टुकड़े आप 74 प्लस 1 भी कर सकते थे, 75 के टुकड़े आप 70 प्लस 5 भी कर सकते हो, लेकिन टेंजेंट की वैल्यू मैं 45 और 30 पे ही जानता हूँ बेटा, और किसी पे तो नहीं जानता ना। इसलिए दो टुकड़े ऐसे करने जिसके ऊपर आप टेंजेंट की वैल्यू जानते हो। तो टेंजेंट ऑफ 45 प्लस 30 बेटा फॉर्मूला बन गया टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी। अब टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ही समझाया अभी आपने, टेंजेंट ऑफ ए प्लस टेंजेंट ऑफ बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ऑफ ए इंटू में टेंजेंट ऑफ बी। टेंजेंट 45 डिग्री 1 होता है, टेंजेंट 30 डिग्री 1 बाय रूट 3, टेंजेंट 45 डिग्री 1, टेंजेंट 30 डिग्री 1 बाय रूट 3। सॉल्व करो इसे अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस ऑफ 105 डिग्री। बेटा कोस ऑफ 105 डिग्री की वैल्यू भी हमने पहले कभी नहीं निकाली है, इसलिए 105 डिग्री के दो टुकड़े करना चाहूंगा, और वो दो टुकड़े ऐसे करने चाहिए जिस पे हम वैल्यू जानते हो, कोस की वैल्यू जानते हो, साइन की वैल्यू जानते हो। मैंने 60 प्लस 45 लिया, चलिए बेटा 60 प्लस 45, कोई 100 प्लस 5 कर दे, ठीक है, कोई 90 प्लस 15 कर दे, तो उसमें दिक्कत यह कि हम 100 प्लस 5 अगर कर देते हैं तो 100 पे वैल्यू नहीं जानते, 5 पे वैल्यू नहीं जानते, लेकिन कोस 60 पे वैल्यू जानते हैं, कोस 45 पे वैल्यू जानते हैं, इसलिए इसके दो टुकड़े 60 प्लस 45 करने पड़े हमें, ठीक है। तो कोस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, ठीक है। ये आप फॉर्मूला अभी याद कर चुके हैं, फार्मूले याद होंगे तो डायरेक्टली समझ में आएगा, नहीं तो फिर वीडियो देखने के बाद भी समझ में नहीं आएगा अगर फार्मूले याद नहीं है। तो कोस 60 डिग्री वैल्यू डालो, कोस 45, कोस साइन 60, साइन 45 सारी वैल्यू डाल के सॉल्व कर लो, दैट इज द आंसर। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बेटा खत्म हो चुका है, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं, अच्छा थर्ड का सेकंड पार्ट है बेटा, टेंजेंट 15 डिग्री प्लस कोट 15 डिग्री दैट इज इक्वल टू 4, प्रूव दैट, टू प्रूव, हम इसे प्रूव करना चाहते हैं कि दैट इज इक्वल टू 4। बहुत आसान है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, टेंजेंट 15 प्लस कोट 15, टेंजेंट 15 प्लस कोट 15 को लिख सकता हूँ 1 बाई टेंजेंट 15, क्योंकि 1 बाई टेंजेंट कोट टेंजेंट के बराबर ही तो होता है, 1 बाई टेंजेंट ऑफ थीटा कोट ऑफ थीटा के बराबर ही होता है, ठीक है बेटा। मैं टेंजेंट 15 की वैल्यू अगर निकाल लूँ, टेंजेंट 15 की, तो दोनों वैल्यू यहाँ डाल दूँ तो आंसर आ जाएगा इसका। तो टेंजेंट 15 की वैल्यू निकाल के हम देखते हैं क्या होती है, टेंजेंट 15 दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 45 माइनस 30, वही टेक्निक जो थोड़ी देर पहले समझी थी। 45 और 30 दोनों पे वैल्यू मैं निकालना जानता हूँ, टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी, टेंजेंट ऑफ ए माइनस टेंजेंट ऑफ बी 1 प्लस टेंजेंट ऑफ ए इंटू में टेंजेंट ऑफ बी। टेंजेंट 45 डिग्री 1 होता है, टेंजेंट 30 डिग्री 1 बाय रूट 3 होता है, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, एलसीएम लेके सॉल्व करा, ये आ गया। तो इस तरह से हमें टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू मिल गई, जो ये है अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1। लेकिन मुझे निकालनी वैल्यू किसकी, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट 15 प्लस 1 बाई टेंजेंट ऑफ 15, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है टेंजेंट 15 प्लस में 1 बाई टेंजेंट ऑफ 15। टेंजेंट 15 की वैल्यू क्या निकली है, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 3 प्लस 1 प्लस, यहाँ पे भी डाल दी वैल्यू, ठीक है, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 3 प्लस 1, यहाँ वैल्यू डाल दी दोनों की। सॉल्व कर लो, सॉल्व करना अब आपका काम है, बस खत्म हो गया।